नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नेहा रानी है। इस लॉकडाउन में लोग सभी बहुत बोर हो गए, मगर इसी लॉकडाउन में लोगों को खुद को जानने का मौका भी मिला, उनमें से मैं भी। कुछ कविताएं मैंने लिखी है इस लॉकडाउन में, आशा करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएंगी। बस यूँ ही लिख लेते हैं। तो मेरी पहली कविता का शीर्षक है कुछ ख्वाब अधूरे हैं। कुछ ख्वाब अधूरे हैं तो क्या, कुछ ख्वाबों में रंग भरना अभी बाकी है। मोहब्बत मुकम्मल नहीं तो क्या, दिल का बिखरना अभी बाकी है। जिंदगी की चोट नासूर है तो क्या, कुछ जख्मों का सिलना अभी बाकी है। इन आँखों में नमी है तो क्या, इन आँखों की चमक अभी बाकी है। मैं वो परिंदा जो गिरा आसमां से तो क्या, मेरी उड़ान अभी बाकी है। रूठा खुदा तो क्या, मेरी दुआ में असर अभी बाकी है। इसी से जुड़ी मेरी दूसरी नज्म है अधूरा इश्क। ये एक आशिक बोल रहा है जिसका इश्क अधूरा रह गया, मगर उसे अपने अधूरे इश्क से कोई शिकायत नहीं। वो यही बताने की कोशिश कर रहा है मेरी अगली कविता में। मैं उसकी मंजिल नहीं तो क्या, रास्ते का मुसाफिर ही सही। मैं सुख में शामिल नहीं तो क्या, दुख का साथी ही सही। मैं उसकी बेबाक बातों का हिस्सा नहीं तो क्या, खामोशी का किस्सा ही सही। मैं उसका आशिक नहीं तो क्या, वो मेरी इबादत ही सही। मैं उसका शायर नहीं तो क्या, वो मेरी गजल ही सही। वो मेरे बिना मुकम्मल तो क्या, मैं उसके बिना अधूरा ही सही। तो मेरी अगली नज्म कुछ यारों के लिए है। लिखते हैं मिटाते हैं इस नई जिंदगी में, पुराने किस्से दोहराते हैं। लिखते हैं मिटाते हैं इन उलझनों में, नई सुलझने ढूंढ लाते हैं। चलो पुरानी कागज की कश्ती फिर बारिश के पानी में बहाते हैं। लिखते हैं मिटाते हैं जो यादें खोई थी पुराने संदूक में, उसे यारों के संग चाय की टपरी पे दोहराते हैं। महज रह गई हैं जो बातें यादें बनके, उन्हें हम लिखते हैं मिटाते हैं। और मेरी अगली नज़्म कुछ लफ्जों में तेरा बयां। एक आशिक अपनी महबूबा का को बता रहा है कि तू कैसे है, तू कैसे मेरे पास से जो गुजरती है तो क्या क्या होता है। कुछ लफ्जों में तेरा बयां, तू जब पास से यूं गुजरती है धड़कनें तेज से यूं चलती हैं। सांसों के शोर में दिल थोड़ा घबराता है, आंखें भी बोल उठती हैं। बिन कुछ कहे चेहरे की खिलखिलाहट तेरा नाम बयां करती है। मेरी मुस्कान दोगुनी हो होठों पे ठहरती है। तुम्हारे महज दुपट्टा संभालते ही चारों ओर फिजाओं में खुशबू सी बिखर जाती है। तुम्हारी खुली जुल्फे देख ये घटाएं भी घबराती हैं। तुम्हारे काजल लगाते ही ये शाम उस अंधेरे को बुलाती है। उस चांद को भी तुम्हारे सामने थोड़ी लाज आ जाती है। जब चांद भी तुमसे निगाहें टकराता है तो यकीन मानो वो उस अंधेरी रात को भी रोशन कर जाता है। तुम जब पास से यूं गुजरती हो तो मेरी अधूरी कविता को भी एक नया रूप मिल जाता है। और मेरी आखिरी नज्म है, ये कुछ नारियों के लिए है। ये जो ऐसे अटैक हो रहा है ये उसके ऊपर है कि उन्हें उस चीज़ का पता भी नहीं होता और लोग उनके साथ क्या करते हैं। तड़पती मैं ऐसे अटैक के ऊपर, उसमें मेरा चेहरा ही नहीं रूह भी तो झुलसी थी। मेरी सुंदरता नहीं हर अरमान भी तो जला था। मेरी चीखें गूंज उठी थी फिजाओं में, जला हुआ दुपट्टा भी तो मिला होगा राहों में। उस तेजाब की तपिश से मेरा चेहरा जलता जा रहा था, हर कोई पास आने से भी घबरा रहा था। मदद के लिए उठे हाथ वो नजरें मुझसे चुरा रहे थे। चेहरा देखने लायक ना बचा ये नजरों से मुझे बता रहे थे। माँ रोती जा रही थी, बाबा मुझे हौसला दिए जा रहे थे। आँखों में तो उनके भी नमी थी, मगर मुझमें मेरा आत्म सम्मान जगा रहे थे। शुक्रिया।